कितने स्टूडेंट है जो फोन चलाते हैं आजकल, तो सारा यूट्यूब पे पढ़ाई होती है और कोरोना ऑनलाइन ने तो सब कुछ और बर्बाद कर दिया। अच्छे खासे स्टूडेंट को भी मुझे लग रहा है ऐसा कर दिया, सारे दिन फोन इस्तेमाल करते होंगे, राइट या रॉन्ग? करते हैं। अच्छा, कौन कौन से स्टूडेंट के पास में हाथ नहीं खड़ा करोगे तो भी कोई बात नहीं, मन में बता देना। इंस्टाग्राम अकाउंट किस किस के हैं मन में रखना, कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, अपने दिल से पूछना आंसर। फेसबुक अकाउंट किस किस के हैं, कोई बात नहीं, जिसके मैं अभी आंसर नहीं करूंगा आपने मन में करना। व्हाट्सएप कौन चलाता है आजकल के स्टूडेंट, क्या करते हैं? इंस्टाग्राम पे डीपी अपडेट करते हैं, करते नहीं करते? व्हाट्सएप अपडेट, फतेह सागर पे जाएंगे, पिछला पे जाएंगे, अरे यार मेरा तो कहीं अच्छा लेना था, और फिर क्या तुरंत, या कहीं शादी में जाएंगे, अच्छे कपड़े वपड़े पहन गए, बाकी शादी में जाएंगे ऐसे सूट वूट, अरे खींचना यार, हाँ देख सही यार, अच्छा फिर वो खोला, फिर वो काम की बात, अरे दो मिनट रुके ना यार, अपलोड कर लेता हूँ डीपी, दो मिनट वो डीपी अपलोड करता हूँ व्हाट्सएप पे फेसबुक पे। आप भी करते हो, करते होंगे, कोई बात नहीं, मैं आंसर मत दो, अरे मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपको, करते होंगे इंस्टाग्राम पे रील्स, अरे यार देखते देखते, अच्छा वो करते तो कोई बात नहीं, लेकिन करने के बाद में क्या करते, पांच मिनट बाद बात करें, अरे यार दो मिनट रुके, मैं चेक करता हूँ स्टेटस, चेक करता हूँ, इतने लाइक किया, अरे यार लाइक कम आया यार इस फोटो पे, दूसरा फोटो को अच्छा खींचना है यार, तूने मेरा फोटो अच्छा नहीं खींचा यार, अच्छा फोटो खींचना मैं उससे यार, फिर बहुत मजा नहीं आया मेरे का, अच्छा कोई अच्छा पिछला पे जाकर पानी वानी का अच्छा फोटो खींचते, फिर यार ये अच्छा ये व्हाट्सएप पे स्टेटस अपलोड करते, ये किया अच्छा, उस पर 10-15-20-50 लाइक्स आ गए और नीचे अच्छे कमेंट भी आए, अच्छा बार बार फिर और एक दो कमेंट तो आते हैं, लेकिन उस कमेंट का जवाब भी देना जरूरी, अच्छा नाइस, ओ थैंक यू, वेरी थैंक यू, फिर दिल का निशान भी और लगाते हैं, लगाते नहीं लगाते हैं, दिल का निशान और लगाते, थैंक यू बॉटम ऑफ माई हार्ट, ऐसा भी करते। अब आप स्टूडेंट हो, क्या आपकी पढ़ाई में यह सब कुछ काम आ रहा है? टेल मी वन थिंग, आप डीपी अपलोड करते हो, आप इंस्टाग्राम देखते हो, आप फेसबुक चलाते हो, आपकी पढ़ाई के लिए यह सारा काम आ रहा है? टेल मी वन थिंग, आ रहा है नहीं? यस या नो में जवाब दीजिए, लेकिन फिर भी आप करते हो, पता है मुझे करते हो। एक बात ध्यान रखना, किसी टॉपर से पूछना, जो टॉप करता है ना वो ये कहेगा मैंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई थी, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं फेसबुक चलाता था, मैं व्हाट्सएप चलाता था, मैं इंस्टाग्राम चलाता था, आप में से ही टॉपर निकलेगा कोई, लेकिन वो ये नहीं कहेगा, क्यों? इससे क्या होता है, इससे माइंड डाइवर्ट होता है, यहीं से तो आपकी एकाग्रता भंग होती है। आप पढ़ने बैठोगे, सुबह आपने डीपी अपलोड की है, आधा घंटा पढ़ोगे, अरे एक मिनट यार मैं डीपी चेक कर लेता हूं, एक मिनट चेक कर, वो चेक करोगे, अच्छा है लाइक, अच्छा किसी कमेंट नहीं आया तो कोई बात, तो कमेंट आ गया तो उसको रिप्लाई तुरंत, यूनिक में एक घंटे बात कर दूंगा, नहीं तुरंत उसी वक्त जवाब देना है, टाइम किसका वेस्ट हो रहा है? आपका हो रहा है, लेकिन नहीं हमको तो टाइम वेस्ट करना है। अच्छा एक बात, जो बड़ा बिजनेसमैन होता है, जो बेचारा दुकान पे जाता है, दुकान का जिसकी दुकान अच्छी वगैरह चलती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, क्या वो व्हाट्सएप, क्या वो फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं? उनको व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने का टाइम ही नहीं है, उनकी डीपी अपलोड होती है तो भी उनका मैनेजर करते हैं कभी कभार, पता है वो रोज डीपी अपलोड करते हैं क्या? आपके क्वेश्चन का कभी जवाब देते हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। और आप स्टूडेंट हो, वो इतना पैसा कमा रहे हैं फिर भी उनके पास टाइम नहीं, आप स्टूडेंट हो, आप पैसा भी नहीं कमा रहे हो, आपके मम्मी पापा ने आपको पढ़ने के लिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे मुझे एक बताना, जो बाहर से आके पढ़ रहे होंगे, होंगे यहीं पढ़ रहे, बहुत सारे यहीं के होंगे, बहुत सारे होंगे बाहर से आके पढ़ रहे होंगे, आप नहीं होंगे तो उसे पढ़ रहे होंगे, मम्मी पापा घर से पैसे भेजते हैं, फोन भी दे रखा है, सब कुछ कर रखा है, वो पैसे किसने भेजते हैं आपको? टेल मी वन थिंग, किसने भेजते हैं? कि मेरा बेटा वहां उदयपुर में पढ़ाई कर रहा होगा, मेरी बेटी वहां उदयपुर में पढ़ाई कर रही होगी, पैसे इसीलिए भेजते हैं घर से? हम तो, मैं राजसमंद से था, उदयपुर यहां पढ़ने आया था, उस वक्त तो शायद 2012 की नहीं 2006 की बात है, तो व्हाट्सएप फेसबुक और ऐसे फोन भी नहीं थे हमारे पास, तो वो सिंग वो फोन थे छोटे छोटे, उस वक्त ये सब कुछ नहीं थे, तो आपको पैसे भेजे जाते हैं आपको पढ़ाई के लिए, आपके माँ बाप के द्वारा, आपके माँ बाप आपके हर खुशी के लिए पैसा खर्च करते हैं, क्यों करते हैं? कि आप कुछ पढ़ लिख के बन जाओ, वो पैसा इसलिए खर्च करते हैं कि आप व्हाट्सएप चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, फेसबुक चलाओ और अपना टाइम इन पर वेस्ट करो,
क्या इसलिए करते हैं? तो मेरा एक आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कम से कम एक बार जीवन में ध्यान रखना, आप अगर नहीं पढ़ पाए तो अपने मां बाप को साफ मना कर देना कि पापा मेरा पढ़े के मन नहीं लग रहा, मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, सिर्फ मना कर। लेकिन अपने मां बाप को बेवकूफ मत बनाना, वो पैसे देते होंगे, आप यहां पे एंजॉय पिछोला जाके एंजॉय करते होंगे, फतेह सागर जाके एंजॉय, सज्जनगढ़ चले जाते होंगे, उनको तो लगा होगा मेरा बेटा पढ़ रहा होगा, देर रात को 12 बजे तक व्हाट्सएप स्टेटस करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, फेसबुक देखते हैं। एक बार उनकी जगह रहकर सोचना, एक बार दावा है मेरा आपसे, आप व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम कभी हाथ नहीं लगाओगे। एक बार उनकी पोजीशन पर सोचना कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए इतने पैसे खर्च कर रहे हैं पढ़े के लिए, आपको ट्यूशन के लिए भेज रहे हैं, अभय सर के यहां पे भेज रहे, नहीं भेज रहे, किस लिए भेज रहे, किस लिए, आंसर दो मुझे, पढ़ने के लिए। और फिर आप घर जाके क्या करोगे, कमरे में जाके व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाओगे, शेम ऑन यू। वो कैसे कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपको पता है? वो किस हालात में रहकर पैसा कमा रहे और आपको दे रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी सुधर जाए? और हर मां बाप ऐसे होते हैं, मां बाप के अलावा ऐसा कोई जीवन में नहीं होता है। हर मां बाप होता है कि मेरा बेटा मेरे से ऊपर बढ़े, हर मां बाप की यह चाहत होती है। अगर बाप कोई अच्छा बिजनेसमैन होता है ना, तो बेटा चाहता है बेटा मेरे से भी ज्यादा बिजनेसमैन है। अगर बाप टीचर है ना, तो वो चाहता है कि मेरा बेटा कुछ आईएएस एसपी बने। इसलिए मां बाप जीवन में एक है जो अपने बेटा और बेटी की खुशियां चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये हमसे कुछ बढ़कर करे, इसके अलावा कोई नहीं चाहता। तो अगर आप अपने बारे में न सोचे, उनके बारे में जीवन में सोचे, तो आप ये व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम और चलाना बंद कर देंगे। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये चलाना बंद कर दें, इससे कुछ नहीं होता है, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका माइंड डाइवर्ट होगा और आपकी एकाग्रता भंग होगी। ये ध्यान रख लेना।